अपनी जो स्वरूप है वह इन सांस्कृतिक समन्वयों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने वाला है और उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कोरिया देश अयोध्या में आया। हमारा प्रयास है इस वर्ष भी भगवान राम की परंपरा से जुड़ा हुआ किसी न किसी देश के राष्ट्र प्रमुख अयोध्या में आए, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बने और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की भगवान राम से जुड़ी हुई उस पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया के सामने एक बार पुनः नई ऊंचाइयों के साथ वहां पर पहुंचा सके। अयोध्या का समग्र विकास होना चाहिए। अयोध्या एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग से के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए और यह शुरुआत दो वर्ष पहले हम लोगों ने उसी हिस्से, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के समय इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। चाहे यहां पर रामलीला का सफल मंचन तुलसी उद्यान में शोध संस्थान के माध्यम से प्रारंभ करने का हो, सरयू मैया की यहां पर चलने वाली आरती की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर राम जी की पेड़ी में हरिद्वार में, जैसे हर जी की पेड़ी में अनवरत बहती हुई गंगा की धारा है, ऐसे ही राम जी की पेड़ी में भी मां सरयू की धारा इसी अनवरत रूप से आगे बढ़ सके और लोगों को शुद्ध और निर्मल जल उस घाट में भी प्राप्त हो सके, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की समस्या न हो। अयोध्या के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे सभी योजनाएं जो अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर ले जाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई इन सभी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का जो एक कार्यक्रम आगे चल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है वह हम सबकी पहचान के लिए, अयोध्या के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में यहाँ पर आकर के मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि चुनाव के बाद मुझे पहली बार यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यह अवसर प्राप्त हुआ है कि जब मैं पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के अयोध्या वासियों को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने और अयोध्या की गौरव गाथा को देश और दुनिया के सामने पुनः उसी मजबूती के साथ जिसके लिए अयोध्या जाना जाता है उसी मजबूती के साथ हम रख सके, इस भाव के साथ जब आज यहाँ पर एक बार मुझे पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आप सबको एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह लक्ष्य हमारा धर्म, वह राष्ट्र धर्म का है। देश अगर सुरक्षित होगा हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा देश समृद्धिशाली होगा हम सब समृद्धिशाली होंगे, हमारा देश खुशहाल होगा हम सब खुशहाल होंगे। और उस दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम, ये सभी कार्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अयोध्या उसकी आधारशिला है, लोक कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं, उन गरीबों के बीच में जाने वाले जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वह किसी गरीब को मकान देने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब को शौचालय देने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब के घर में किसी भी प्रकार की शासन की योजना को पहुंचाने का कार्यक्रम हो, किसी किसान को मिलने वाली शासन की योजनाओं का लाभ हो, किसी नौजवान को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्यक्रम हो, या फिर समाज के एक जागरूक नागरिक के रूप में शासन की सुविधा को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हो, ये भगवान राम के ही मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, उनसे कतई अलग नहीं, कतई विचलित होने की कोई स्थिति नहीं। और उन स्थितियों में हम सब का संकल्प भी है कि राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। ये भगवान राम का जो कार्य है लोक कल्याण का, लोक मंगल का, राष्ट्र के कल्याण का, राष्ट्र की सुख और समृद्धि का,
एक भारत श्रेष्ठ भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश उस यात्रा को लेकर के चलेगा, पूज्य संतों के सानिध्य में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हमारे पूज्य संत जन भी उस अभियान के हिस्से बने, एक सकारात्मक